कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। विशाल सोने का अंडा। रामनगर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसका मुर्गी और अंडे बेचने का बिजनेस था। ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां और अंडे मिले इस चाह में वो मुर्गियों को ऐसी खाद खिलाता कि मुर्गियां जल्द ही बड़ी हो जाती और समय से पहले ही अंडे देने लगती। शाम हर रोज अंडे ट्रे में भरता और उन्हें गाड़ी में रखवा कर सारे गाँव में बेच आता। उस गाँव में रंगा नाम का एक आदमी एक रेडी लगाकर उस पर ऑमलेट बनाकर बेचता था। वो हर दिन शाम से ही अंडे लेता था। उसी गांव में रहीम नाम का भी एक आदमी रहता था। उसका चिकन का शॉप था और वो भी शाम से ही मुर्गियां लेता था। ऐसे ही एक दिन रहीम की दुकान पर एक आदमी आया। अरे भाई रहीम, तुम्हारे यहाँ का चिकन खाने के बाद पेट में दर्द होने लगा है। अब चिकन में गड़बड़ है या खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हुई पता नहीं। अरे रामलाल जी, मेरे चिकन में तो कोई फॉल्ट नहीं है, शायद आपके बनाने का तरीका गलत हो गया हो। हाँ ऐसा ही लगता है। रामलाल वहां से चला जाता है और रहीम सोच में पड़ जाता है। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो शाम को पूछना पड़ेगा। रहीम अपना काम बड़े ईमानदारी से करता था। अगले दिन फिर एक आदमी रहीम की दुकान पर चिकन की शिकायत लेकर आया। हर घर में खाना बनाने की समस्या तो नहीं हो सकती, ये रंगा भी शाम से चिकन और अंडे लेता है, मैं इसे ही पूछ के देखता हूँ। अरे भाई रंगा, तुम्हारे पास ये शाम ही अंडे बेचता है ना? हाँ भाई, मगर मेरे इस महीने में बहुत सारे अंडे खराब निकल रहे हैं। क्या हुआ है क्या पता? अरे मेरे ग्राहक भी बोल रहे हैं कि चिकन अच्छा नहीं है, उन्हें पेट की समस्या हो रही है। मुझे लगा कि ये समस्या सिर्फ मेरी है, इसीलिए मैंने किसी से कुछ बोला नहीं। भाई मेरा धंधे में भी बहुत नुकसान हो रहा है, चलो हम उस शाम से पूछते हैं। अरे उससे पूछ के क्या फायदा, वो तो सफाई देगा। चलो हम उसके फार्म पर जाकर देखते हैं। अब रंगा और रहीम शाम की पोल्ट्री फार्म पर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो देखते हैं कि शाम अपनी फार्म की मुर्गियों को केमिकल मिश्रित पानी पिलाता है जिससे उनका वजन बढ़ जाए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगाता है। अरे भाई रहीम, ये शाम ये क्या कर रहा है? अरे भाई, ये छोटी मुर्गियों को इंजेक्शन लगा रहा है जिससे ये मुर्गियाँ 8 ही दिन में बड़ी बन जाती है और कुछ मुर्गियाँ जल्द ही अंडे देने लगती है, और फिर ये उन मुर्गियों को वो केमिकल से मिश्रित पानी पिलाकर उनका वजन बढ़ाता है, ये सब कर रहा है ये शाम। अरे भाई ये तो सरासर गलत है, ये हमें फंसा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। चलो अब घर वापस चलते हैं और सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अब रंगा और रहीम घर चले जाते हैं। रहीम रात भर सोचते रहता है। सुबह उठकर वो रंगा के पास जाता है और उसे अपनी योजना बताता है। भाई रंगा, इस शाम को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक योजना है, बताओ ना भाई। हम एक नकली बड़ी वाली मुर्गी बनाएंगे, उसमें एक इंजन फिट करवा देंगे जिससे कि वो चलने फिरने लगे। उसे हम पूरा सोने जैसा पेंट करवा देंगे, कुछ नकली सोने के अंडे भी बनवाएंगे और फिर उसकी मदद से हम इसको सबक सिखाएंगे। क्या आइडिया है भाई, ऐसा ही करेंगे हम, उसे अच्छा सबक मिलेगा। चलो हम मेरे घर पे वो मुर्गी बनाना शुरू कर देते हैं, मैं बाजार से पेंट लेकर आता हूँ। हाँ भाई मैं भी आता हूँ। अब वो दोनों भी एक नकली मुर्गी बनाने में जुट जाते हैं। लगभग 4 दिनों तक बहुत मेहनत करने के बाद दोनों ने एक नकली मुर्गी बना ली। उन्होंने उसमें एक इंजन लगवा दिया ताकि वो मुर्गी चल सके। उसी के साथ साथ अंदर बैठने के लिए एक सीट बनवाया। उन्होंने प्लास्टिक से 7 अंडे तैयार किए और उन्हें सुनहरे रंग से रंग दिया ताकि वो ऐसे दिखे जैसे कि वो सोने के अंडे हो। अब रहीम मुर्गी में बैठकर उसे चलाने लगा। वो उसे गांव में लेकर गया। गांव के सारे लोग उस विशाल सोने की मुर्गी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे भाई देखो, कितनी बड़ी सोने की मुर्गी है। अब वो मुर्गी शाम के पोल्ट्री फार्म के पास गई। उसे देखकर शाम बाहर आया। इतनी विशाल मुर्गी मैंने आज तक नहीं देखी। उस मुर्गी के अंदर बैठा रहीम आवाज बदलकर बोलने लगा। अरे मैं एक जादुई मुर्गी हूँ, मुझे हर रोज जो आधा किलो सोना खिलाएगा मैं उसको हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी। क्या आप आधा किलो सोना हर रोज खाती हो? हाँ डाल के देखो, मैं खाकर दिखाऊंगी। अब शाम घर जाकर उसने जमा किया हुआ सारा सोना लेकर आता है और वो सोना मुर्गी के सामने रखता है।
तभी रहीम अंदर से एक बटन दबाता है और बटन दबाते ही मुर्गी अपना मुंह खोलकर सारा सोना खा लेती है। अब रहीम दूसरा बटन दबाता है और मुर्गी पीछे से एक नकली सोने का अंडा डालती है। ये सब देखकर शाम और गांव वाले बहुत चकित हो जाते हैं। क्या आप मेरे घर आ सकती है? अगर आप मेरे घर आएंगी तो मैं आपको हर रोज आधा किलो सोना खिलाऊंगा। ठीक है, मगर मेरे अंडे 7 दिनों बाद ही फोड़ना। जी ठीक है। अब शाम उस मुर्गी को लेकर अपने घर जाता है। उसकी सारी संपत्ति बेचकर उसके बदले सोना खरीद कर लाता है और अब हर रोज उस मुर्गी को आधा किलो सोना खिलाने लगता है। मुर्गी भी उसे रोज एक अंडा देने लगी। अरे भाग्यवान, अब जल्द ही हम करोड़पति हो जाएंगे, तुम बस देखती जाओ। अजी बस हो गया इस मुर्गी को सोना खिलाना, चलो अब हमारा फार्म संभालते हैं। अरे तुम्हें कुछ समझता है कि नहीं, इस मुर्गी की वजह से मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, समझी? तो आप ही बनो करोड़पति, मैं चली अपने मायके। ऐसा बोल के सुमन अपने मायके चली गई। उसके जाते ही शाम ने उसका पूरा घर बेच दिया और उन पैसों से सोना खरीद कर लाया। उसने मुर्गी को हर रोज आधा किलो सोना खिलाना जारी रखा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना उस मुर्गी को मार दिया जाए, जिससे कि सारे सोने के अंडे एक ही बार मिल जाएंगे। तभी उसने कुछ हथियार उठाए और उस मुर्गी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। अंदर बैठे रहीम को ये बात पता चली और वो उस मुर्गी को लेकर वहाँ से भाग निकला। वो मुर्गी शाम के हाथ न आई। आखिरकार शाम अपने घर में चला आया और उसने वो नकली अंडे उठाए। वो अंडे लेकर वो सोनार की दुकान में उन्हें बेचने गया। भाई साहब, ये अंडा कितने का होगा जरा बताइए, सोने का है? अरे क्या शाम भाई, तुम भी कुछ काम नहीं है क्या? पहले इतना सारा सोना लेकर गए और अब ये नकली अंडे लेकर आए हो। मजाक मत कीजिए भाई साहब। अरे भाई मैं क्यों मजाक करूं, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। ये सब सुनकर शाम बहुत सदमे में चला गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे ही एक दिन रहीम और रंगा फिर से मिलते हैं। अरे भाई रहीम, उस शाम को बहुत सजा हो गई, अब उसे उसका सोना लौटा देते हैं, नहीं तो सदमे में चला जाएगा बेचारा। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलो उसका सोना वापस दे देते हैं। हाँ चलो। अब रंगा और रहीम उस सोने की मुर्गी को लेकर शाम के घर गए। रहीम उस मुर्गी के माध्यम से उससे बात करने लगा। शाम, शाम। जादुई मुर्गी, तुम यहाँ? हाँ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए वो अंडे भी नकली हो गए। अब तुम तुम्हारा ये सोना वापस ले लो और अब ईमानदारी से काम करना, किसी के साथ गलत मत करना। आज के बाद मैं जिंदगी में किसी को नहीं फंसाऊंगा। मुर्गी शाम से लिया हुआ सारा सोना उगल देती है और वहां से चली जाती है। और उस दिन के बाद शाम अपना धंधा पूरी ईमानदारी के साथ करने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मलकापुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके घर में खाने के हमेशा लाले पड़ते थे। सुशीला के घर में उसका पति केशव था, जिसे पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर सकता था। उन दोनों को एक बेटा था राम और बेटी थी राधा। परिवार में सुशीला ही कमाती थी। राधा और राम भी उसे उसके काम में मदद कर दिया करते थे। इसके साथ साथ वो दोनों स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करते थे। हमारे बच्चे बहुत ही होशियार और समझदार है। हाँ सुशीला, तुम सच कह रही हो, हमारे बच्चे बहुत समझदार है। चलो अब मैं काम करने जाती हूँ। हाँ, सुशीला अपना काम करने चली जाती है। वो घर घर जाकर काम किया करती थी। जिसके घर में जो काम मिले वो काम वो कर लेती थी। शाम को जब सुशीला घर आती थी तो वो बहुत थक जाती थी। एक दिन केशव को अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन सुशीला के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अजी सुनते हो, मेरे पास 500 रुपए ही है, इतने में अस्पताल का काम नहीं हो सकेगा। हाँ सुशीला, अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं। जाने दो, हम अगले महीने अस्पताल में जाएंगे। मैं कुछ मेरे मालकिन से मांग कर देखती हूँ, हमारा काम हो जाएगा और वो मेरे तनख्वाह से काट लेगी। नहीं नहीं सुशीला, हम अगले महीने ही अस्पताल जाएंगे, इस महीने नहीं जाएंगे। अजय आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम इसी महीने जाएंगे। अभी मैं ठीक हूँ सुशीला, मेरी चिंता मत करो। जी ठीक है, मगर मेरी तनख्वाह होने के बाद आप अस्पताल जाने के लिए ना नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है। उस रात सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब राम उसकी माँ से, माँ तुम्हारे हाथ का अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आता है। हाँ माँ,
मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पहले खाना खा लो, बाद में बातें करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे देश में कोरोना की भयंकर महामारी आती है, जिसकी वजह से कोई भी घर के बाहर निकल नहीं सकता था। अजी, मैं काम करने जाती हूँ, नहीं तो पैसे कैसे आएंगे और हम क्या खाएंगे? अच्छा, मगर मैंने सुना है कि ये कोरोना नाम की बीमारी बहुत खतरनाक है। जी, मुझे नहीं पता ये कोरोना क्या है, मगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तुम सच कह रही हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मुझे ये पैरालिसिस का अटैक आता और ना ही तुम्हें घर घर जाकर काम करना पड़ता। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कमाऊ या आप कमाओ, एक ही तो है। मैं काम पर जाकर देखती हूँ। सुशीला बाहर चली जाती है। वो देखती है कि रोड पर कोई भी नहीं था। तभी सुशीला की नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है। साहब, क्या हुआ है? कोई भी नहीं है रास्ते पर, इतना सुनसान क्यों है हमारा गांव? आपको पता नहीं है क्या, कोरोना की वजह से अब कोई घर के बाहर नहीं निकलता। और हाँ, आप हमेशा मुंह पे मास्क लगाना, किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेना। चलो अब घर जाओ, जरूरत होगी तो ही घर से बाहर निकलना। साहब, मैं घर घर जाकर काम करती हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? राशन की दुकान पर राशन मिल रहा है, उससे अपना महीने का काम चला लो, अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा साहब? अरे बहन जी, ये आपका ही नहीं सब लोगों का हाल है, और अगर आप काम करने जाएंगी ना तो आपको भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन जाहिर किया है। अब आप घर चली जाओ। जी। बहुत उदास मन से सुशीला अपने घर चली आती है और मुंह लटका कर बैठ जाती है। तभी केशव सुशीला से, क्या हुआ है, इतने उदास क्यों हो? अजी, मैं बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती, अब घर का गुजारा कैसे होगा? देखेंगे, जैसा वक्त आएगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, तुम चिंता मत करो। उस दिन से सुशीला बहुत चिंता में पड़ गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो? कुछ नहीं मेरे बच्चों, बस ऐसे ही। माँ, हम घर से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब? हम घर से कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी तुम्हें आता है। जैसे कि तुम बहुत अच्छा आचार बनाती हो, तो हम आचार बनाकर बेच सकते हैं। वो हम कैसे बेचेंगे, पूरे शहर में तो लॉकडाउन शुरू है। माँ, हम आचार के पैकेट बनाकर दुकान में रख सकते हैं, नहीं तो हम खुद भी बेच सकते हैं। ये विचार बहुत अच्छा है। लेकिन माँ, हमें पूरी सावधानता से ये काम करना होगा, मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हमें ये सब करना होगा। हाँ बेटा, हम सब सावधानी से ही करेंगे। चलो माँ, हम बाजार जाकर कुछ सामान लेकर आते हैं। सुशीला आचार का सामान लाने बाजार जाती है और उसके पास जितने भी पैसे थे उनसे आचार का सामान लेकर घर आती है। घर आकर आचार बनाना शुरू कर देती है। शाम तक वो आचार बना देती है। आचार देखकर राधा कहती है, माँ, आचार की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। राधा आचार चक्के देखती है। आचार बेहद अच्छा बना हुआ होता है। सुशीला उस आचार के पैकेट बनाकर रख देती है। अगले दिन वो पैकेट लेकर सुशीला बाजार में उन्हें बेचने जाती है। आचार की सुगंध और स्वाद से आकर्षित होकर कुछ लोग वो खरीदने आते हैं। बहन, आचार कैसे दिया? भैया, आचार 60 रुपए पाव है, आपको कितना दूं? मुझे 1.5 किलो दे दो। जी भाई साहब। मुझे भी 1 किलो देना। हाँ हाँ, देती हूँ। उसके आचार का स्वाद इतना अच्छा था कि बहुत सारे लोगों ने उसका आचार खरीद लिया। सभी लोगों को उसका आचार बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सुशीला सारा आचार बेचकर जल्द ही घर चली आई। अजी सुनते हो, आज मैंने पूरा आचार बेचा है, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सुशीला, तुम्हारे हाथ का स्वाद ही ऐसा है कि सभी लोगों को पसंद आ जाए। अगले दिन से सुशीला रोज आचार बेचने लगी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बहुत बढ़ गए। आचार बेचकर कमाए हुए पैसों की मदद से उसने अपने पति का अच्छे से इलाज भी करवाया। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन खत्म हो गया और सुशीला के आचार व्यापार में बहुत तेजी आ गई। इस तरह अपनी मेहनत और लगन के जोर पर सुशीला अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। सुंदरपुर नाम के गांव में विमला देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था देव और बेटी का नाम था सुमन। विमला देवी का बेटा एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर था और इस बात का विमला देवी को बहुत गर्व था। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। देव भी अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था, वो हमेशा अपने माँ की हर बात मानता था। विमला की बेटी सुमन आगे पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना चाहती थी,
लेकिन विमला देवी को बेटियों की नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए सुमन की पढ़ाई पूरी होते ही विमला ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और अपने बेटे के लिए भी अच्छी बहू की तलाश में जुट गई। ऐसे ही एक दिन विमला देवी का भाई नरेंद्र और भाभी शांति उनके घर आए। अरे आओ भैया, आज अचानक कैसे आना हुआ आपका? कुछ नहीं दीदी, जरा बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा आपसे मिलके चलूं। बहुत अच्छा किया भैया, वैसे भी आपको आपके काम से फुर्सत कहाँ मिलती है, तो क्या हुआ रिश्ते का? अच्छा परिवार है तो सोच रहा हूँ कि बड़ी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दूं, उसके बाद में और 3 शादियां भी तो करनी है। हाँ बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने भैया, जल्द ही अंजलि की शादी कर दो, अब उसकी पढ़ाई भी तो इस साल पूरी हो जाएगी। हाँ इसीलिए रिश्ता अभी से देखना शुरू कर दिया। विमला दीदी, आपको अगर बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ? अरे भाभी मुझे क्यों किस बात का बुरा लगेगा, आप बेझिझक कहिए आपको जो कहना है। आप अंजलि को अच्छे से जानती हो, वो कितनी शांत सुशील और गुणी लड़की है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है और घर का सारा काम भी जानती है, बड़ों की इज्जत भी करती है। अरे हाँ हाँ भाभी मुझे सब पता है अंजलि के बारे में, वो बचपन से कैसी है मुझे सब पता है, मेरी सबसे लाडली है मेरी अंजलि, आपको जो कहना है साफ साफ कहो भाभी। दीदी मैं सोच रही थी बाहर रिश्ता देखने से अच्छा आप ही क्यों नहीं अंजलि को अपने घर की बहू बना लेती, आप भी तो देव के लिए अच्छी लड़की खोज रही हो, हमें भी कोई चिंता नहीं रहेगी और आपको भी। विमला देवी मन ही मन सोचती है, अंजलि तो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी और दिखने में भी सुंदर है, लेकिन शांति भाभी को चारों लड़कियां हुई है, अगर मैं अंजलि की शादी देव से करवा दूं और मुझे भी पोतियां हुई तो? नहीं नहीं मुझे तो मेरे घर को आगे लेके जाने वाला घर का दीपक चाहिए, सब पता होकर मैं अपने बेटे की शादी अंजलि से नहीं कर सकती, आगे पछतावा होने से अच्छा मुझे अभी इनकार कर देना चाहिए। अरे हाँ भाभी बात तो आपने एकदम सही कही है, लेकिन क्या है ना देव के पिताजी को रिश्तों में रिश्ता करना पसंद नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब मिलकर अंजलि के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। शांति विमला देवी को बहुत अच्छे से जानती थी कि विमला देवी बस इसी डर से अंजलि की शादी देव से नहीं कर रही कि कहीं उसे भी उसकी तरह लड़कियां ना हो जाए। शांति और नरेंद्र कुछ देर वहां बैठकर अपने घर चले गए और अपनी बेटी अंजलि की शादी कहीं और करवा दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, विमला देवी एक अच्छा रिश्ता देखकर उसके बेटे देव की शादी अनुराधा नाम के लड़की से करवाती है। अनुराधा बहुत सुंदर थी और पेशे से इंजीनियर थी, वो एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद वो घर के सारे काम करती थी और अपने सास ससुर की हर बात माना करती थी। ऐसे ही एक दिन अनुराधा को एक कंपनी से कॉल आता है। अरे बहू किससे बात कर रही थी, अभी तो तुम्हारे माँ का फोन आया था, अब और किससे बात कर रही थी इतने देर तक? सासू माँ मैं बहुत दिनों से एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, अब मुझे मौका मिला है, कल उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। देखो बहू तुमने पढ़ाई की है ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी घर की बहू नौकरी करे ये पसंद नहीं है, मेरा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? लेकिन लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू, जाओ अपना काम करो, मैं शाम को जब देव घर आएगा उसे बात कर लूंगी, अब मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा चुपचाप वहां से अंदर किचन में जाकर अपना काम करती है। शाम को जब देव घर आता है तो विमला देव को अनुराधा के नौकरी करने के बारे में बताती है, वो अनुराधा को नौकरी करने से रोकती है और यही उसका अंतिम फैसला है, ऐसा बोलकर वहां से गुस्से से चली जाती है। देव को अपने माँ के ये पुराने ख्यालात बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। अब देव अपनी पत्नी अनुराधा को समझाने लगा। अनुराधा बहुत उदास होकर अपने रूम में बैठी हुई थी, देव उसके पास गया। क्या हुआ अनु, इतनी उदास क्यों बैठी हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप भी बताओ क्या मैं नौकरी भी नहीं कर सकती? नौकरी करना मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है क्या? मुझे अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल रहा है, बस इसीलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अनु जरा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो अनु, माँ बहुत पुराने ख्यालातों की है, तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारी नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम माँ को तुरंत नहीं मना सकते, अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और माँ की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है, तुम कुछ महीने जाने दो, मैं धीरे धीरे माँ को मना लूंगा, अब तो ठीक है। अनुराधा को देव की बात ठीक लगी और वो मुस्कुराकर वहां से अपने काम में लग गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, अब अनुराधा माँ बनने वाली थी। विमला देवी अब अनुराधा से बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी,
उसके हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखने लगी। ये सब देखकर अनुराधा भी बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ महीनों बाद अनुराधा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसकी सास को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने अनुराधा से कहा कि अगली बार उसे लड़का चाहिए। अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, इसमें अनुराधा का क्या कसूर है? देव, तुम चुप बैठो। हम औरतों के बीच में मत पड़ो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जाओ जाकर अपना काम करो। अनुराधा को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अंदर गई। अब विमला रोज छोटी छोटी बात पर अनुराधा से झगड़ा करने लगी। उसे लड़की होने पर ताने मारने लगी। घर का सारा काम भी वो उसी से करवाने लगी। ऐसे ही एक दिन विमला की भाभी शांति उनके घर आई और विमला को मिठाइयाँ दी। ननन जी, मुँह मीठा कर लो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खास आपको मिठाई देने आई हूँ। विमला ने मिठाइयाँ खाई और पूछा, अरे भाभी जी, पहले खुशी की बात क्या है ये तो बताओ। अरे दीदी, आज अंजलि को बेटा हुआ है, बेटा। यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपका मुँह मीठा करते चलूं। चलो, बहुत जल्दी में हूँ, मैं जाती हूँ। शांति वहाँ से चली गई। विमला को तो वो मिठाई भी बहुत कड़वी लगने लगी। वो बहुत आग बबूला हो गई थी। ये शांति मुझे मिठाई देने नहीं बल्कि मुझे जलाने के लिए आई थी। उसके बेटी से मैंने देव की शादी नहीं की और मुझे पोती हुई और इसे पोता, बस यही चीज मुझे बताने आई थी। मुझे नीचा और गलत साबित करके चली गई और ये सब हुआ है इस अनुराधा के कारण। अब तो विमला अनुराधा को बहुत भला बुरा कहने लगी। सारे काम करने के बावजूद अनुराधा को ये सब सहना पड़ रहा था। और आखिर अनुराधा विमला से तंग आकर अपने मायके चली गई। देव जैसे तैसे उसे समझाकर घर वापस ले आया। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। अब अनुराधा फिर एक बार माँ बनने वाली थी। देखो बहू, अगर इस बार मुझे पोता नहीं हुआ तो मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना और यहाँ इस घर में भी मत आना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अरे सासू माँ, आज तक मैंने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। मुझे लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों समान है। और आज के बाद आपने मुझे लड़का या लड़की होने से तंग किया तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ये बात आप भी समझ लो। अनुराधा के उल्टे जवाब देने के कारण विमला उस पर और जुल्म करने लगी, ये जानते हुए कि वो पेट से है। अब विमला उसकी छोटी पोती पर भी ध्यान नहीं देती थी, उसे भी भला बुरा कहने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। डिलीवरी के लिए देव अनुराधा को अस्पताल लेकर गया, लेकिन विमला उसके साथ तक नहीं गई। अनुराधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया और ये बात देव ने घर जाकर अपने माँ को बताई। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे पोता हुआ है? हाँ माँ, लड़का ही हुआ है। बेटा चलो, अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे मेरे पोते को देखना है, उसे गोद में लेना है। विमला देव के साथ अस्पताल गई और अपने पोते को गोद में उठा लिया। अरे मेरे कुल के दीपक, मेरे चिराग, तुम्हारे दादी को तो कब से तुम्हारा इंतजार था। आखिर हमारे घर का राजकुमार आ ही गया। अब देखो मैं उस शांति का मुंह कैसे बंद करती हूँ। मुझे जलाने आई थी, अब तो उसे मैं अपनी घर की दहलीज भी पार नहीं करने दूंगी। अब विमला अपने पोते को लेकर बहुत खुश थी। अनुराधा के प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विमला की बेटी सुमन भी माँ बनने वाली थी और इसीलिए विमला उसे अपने घर लेकर आई थी। वो सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। अनुराधा भी सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। ये देख सुमन एक दिन अनुराधा से कहती है, भाभी तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। और हो सके तो मुझे माफ कर देना भाभी, जब माँ तुम्हें इतनी सारी तकलीफ दे रही थी ये पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाई, फिर भी तुमने सबका अच्छे से ख्याल रखा। ये माँ को तो हम नहीं बदल सकते। अरे सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मेरा फर्ज निभा रही हूँ। एक औरत होकर हम एक औरत को इस हाल में उसके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमें सबसे पहले औरत होने का फर्ज निभाना चाहिए। मुझे पता है कि क्या क्या जरूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हें हर वो चीज दे रही हूँ जो मेरे टाइम मुझे अकेले करनी पड़ी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब सुमन की भी डिलीवरी का वक्त आता है और सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। ये बात सुमन की सास को खटकती है और वो विमला के सामने सुमन को खरी खोटी सुनाती है। देखो बहू, मुझे तो पोता चाहिए था, लेकिन अगली बार मुझे पोता ही चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे भाभी को कितनी तकलीफ दी है ये हमें सब पता है। मैंने तो बस मेरी इच्छा बताई है, ध्यान में रखना। ऐसा बोल के निर्मला वहाँ से चली गई। पास ही में खड़ी विमला ये सब सुन रही थी।
विमला को अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि एक औरत होकर उसने दूसरी औरत की भावनाओं की कदर नहीं की थी, और जब खुद की बेटी को भी यही भुगतना पड़ा तो विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। विमला अपनी बहू अनुराधा से आग भी नहीं मिला पा रही थी। अब उसकी सोच में बदलाव आ गया। उसने अपनी बहू से माफी मांगी और उस दिन से लड़का और लड़की में भेद करना भी छोड़ दिया। अब विमला ने अनुराधा को नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। विमला ने घर की जिम्मेदारी भी उठा ली और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।